काफी विकसा है इसका मेरे ख्याल से, क्योंकि अक्सर हमारे आए दिन हमारे घरों के आसपास ऐसे सांप ऐसे जीव हमारे घरों के आसपास आते हैं। आप घबराए नहीं, क्योंकि ये सांप हमारे तभी आएंगे दोस्तों। और ये रहा काफी, वो देखो कैसे पकड़ लिए हैं ये काटने में महारत हासिल है दोस्तों। जब ये काटेगा और इसे ही हमारे घरों के आसपास तो आते रहते हैं और इसमें फंस गया है ये शांत माहौल है और ये ऐसे जीव हमारे घरों के आसपास देखे इसको खतरा में से शोर है और कभी ये जो है इस तरह से करना है। नाम का है भाई इसका, दीदी बंद कर ले दरवाजे बंद कर। ऐसे जीव दो मिनट में शांत हो जाएगा, आप लेकिन दो मिनट में शांत हो जाएगा इसको खतरा में से शोर है जिसके वजह से जो है भागने के प्रयास में और प्रयास में ये अभी ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अभी इसको लग रहा है कि हम कहीं मारने वाले हैं, इसीलिए काफ़ी डरा हुआ है जैसा तुम, लेकिन लगता है इसको इसके लिए कहीं लग गए हैं चोट, जल्दी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगा भी लगा है क्या भैया? हल्दी दे दो भाई, दे दो दीदी हल्दी, यहाँ से दो मेरे को, मैं दे देता। अरे ना डरेगा तो ना, कहाँ डर रहा है? अरे वैसे ही दे ना, वैसे दे। ले पकड़े इसको, पकड़ लो यार भैया, पर अब कैसे दूँ, दिक्कत तो ये है। ये भैया यार आप दे दो यार, डर लग रही है। वो कुछ लगे भी रहते होंगे ना, उनको ना काट भाई, देखना उधर ही साइड मुड़ा है, ज्यादा पास ना जाना। और चाहिए हल्दी हो जाएगी इतने में। लग गया उसकी स्किल में, है ना? पानी मिला के लगाएंगे दीदी, पानी दे देना हर वक्त से, ऐसे लगाओगे भैया पानी दे, ये पानी के जैसे थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, ये है ना ये, और इसको अंदर कर देंगे पैक फिर, और इसको फिर से आप पास से भाई ना, आप तो आ जाएंगे, डरिए नहीं दोस्तों। इसमें हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि इसमें जो काफी चोट लग चुका है और हो सकता है ये खींचे ऐसे ही बेजबान जीवों को मारे नहीं बचाते रहे हमारे घरों के आसपास से निकलते रहते हैं। और कभी भी आपको स्नेक बाइट हो जाए तो तंत्र मंत्र झाड़फूँक के चक्कर में ना जाने, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना है, हादसा हो सकती है। अब चलिए इसको पैक करेंगे, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे और ये चला जाएगा फिर, और ले जाके इसको जंगल में भेज कर देंगे, हमारा काम भी चला गया। और इसको पैक करेंगे सामान भाई अपना, तब तक के लिए वीडियो को बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।